वन्ना मोसतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं आप? आपको कौन चाहिए भाई? व्हाट्सएप पे अभी आप मैसेज कर रहे हैं कुछ? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं मुझको। हाँ तो वो ग्रुप में जो है आपने डाला था, तो उसके ताल्लुक बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? नाम तो बताइए आपका। हाँ, आपका नाम तो बताइए, कौन है भाई? अब मैसेज तो आप कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा हूँ आपको। अबुल हुज़ैफ़ा बोल रहा हूँ। हाँ जी, अबुल हुज़ैफ़ा बोल रहा हूँ। क्या नाम? हुज़ैफ़ा। अबुल हुज़ैफ़ा बोल रहा हूँ, बोलिए आगे। अबुल हुज़ैफ़ा। हाँ 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 हाँ, अबुल हुज़ैफ़ा नाम है आपका जी, बोलिए आगे। वो मैंने डाला अभी पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब का, कि जो उलमा मशाइख मदारिस के खिलाफ होगा उसका ईमान पे खात्मा होना मुश्किल होगा, तो इसमें आपको एतराज है कुछ? तो वहाँ पर सादियानी क्यों मेंशन किया आपने? सादियानी भी उसी में आते हैं ना भाई, देवबंद की नहीं मान रहे हैं, शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की नहीं मान रहे, पीर तलहा साहब की नहीं मान रहे हैं, तकी उस्मानी साहब की नहीं मान रहे हैं, पुराने दावत के काम के बुजुर्गों की नहीं मान रहे। क्या दलील है आपके पास में देवबंद की नहीं मान रहे तो फिर तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह? देवबंद ने गुमराह कहा है। कहा गया देवबंद ने? फतवा नहीं मिला आपको? वो तो आर्टिफिशियल फतवा बनाया गया प्रेशर में। देख, किसके प्रेशर, किसके प्रेशर में? आज आज मौलाना अरशद मदनी फिर क्यों उनके साथ में खड़े हैं ये बोल सकते मुझे? अरशद मदनी क्यों खड़े उनके साथ? वो तो हम भी खड़े हैं ताकि हमारा बदनाम तो जाकिर नायक के साथ भी खड़े थे। अरे आप तो, आपके लिए एक चांस था जहाँ पे अहले हदीस, अहले सुन्नत वाल जमात और गैर, जब निजामुद्दीन के साथ जब बदनाम हो रहे थे, लोग साथ दे रहे थे, आप उस वक्त उनको उनको तो आप उनका साथ दे रहे थे मुखालिफिन का। हम तो सुनो सुनो सुनो, मदीना या मक्का है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा, देखो देखो, हजरत अली ने मदीना छोड़ा, फिर भी वो हमारा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो गलत बातें चलेंगी उसका हम साथ नहीं देंगे। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये बात की बात मत करो, अभी आप जो बात कर रहे हो वही बात कर रहा हूँ ना भाई। साध सादियानी का मतलब होता है साध साहब के गलत चीजों का साथ देने वाले। आपने मिक्स किया हुआ है सब। सादियानी का मतलब होता है साध के गलत अकायद, जो झूठ को हलाल कर रहा है। किसको बात, किसको? साध साहब झूठ को भी हलाल कर रहा है। कहाँ है आपके पास, क्या दलील है इसकी? अरे वो पूरी ऑडियो उसका बयान है हजरत। क्या, क्या 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 ऑडियो है, क्या दलील है? है तो साहबा के किस्से को बयान कर रहा है हजरत अब्दुल अब्न रवाहा ने अपनी अहलिया के सामने कुछ ऐसा कहा, तो कह रहा है इतना बड़ा काम चलाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ेगा, बोलता है। क्या साद कांदलवी साहब, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला का जो किस्सा जो हयातु सहाबा में भी मौजूद है जी, कि वो अपनी बांदी के साथ मुब्तला थे, बीवी आ गई, बीवी ने छुरी लेके आ गई, तो उन्होंने कुछ अरबी में अशआर पढ़े कि मैं जुनूबी होता, मैं जुनूबी होता तो हरगिज ना पढ़ता कुरान, देखो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो बीवी ने उनको छोड़ दिया। अब साद साहब इससे मसला निकाल रहे हैं, जाहिल मुज्तहिद के देखो घरेलू चीजें बचाने के लिए भी जब झूठ बोलना पड़ सकता है, हाँ तो ये इतना बड़ा काम चलाने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। कौन सा बड़ा काम चलाने के लिए झूठ बोलने की? दावत का काम। कहाँ कहाँ है आपके पास में ऑडियो मौजूद है? बिल्कुल। अरे ऐसे कितने ऑडियो तुम झुठलाओगे? है, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे झुठलाने की बात नहीं है, सबसे पहली बात, सहाबा को लिखने वाले, सहाबा को बोलने वाले, सहाबा को पढ़ने वाले, इनको समझ के बोलने के लिए सहाबा की औलादी चाहिए। हमारे मेरे जैसा आदमी नहीं बोल सकता, समझे? उसके बाद ने है तो सहाबा लिखी, मतलब नस्लों सहाबा का बेटा सहाबा की बात की झूठी तावील कर सकता। सहाबा के औलाद हो तो सहाबा के बारे में कुछ भी बोल सकता। अरे सहाबा की मैं बोला, जिसके दादा ने है तो सहाबा लिखी, उससे अच्छा है तो सहाबा कौन समझ सकता? तुम समझ सकते हैं? अरे जिनके कोई किताब लिखी हदीस की, लिखी क्या? जवाब दो, यस और नो। अरे नबियों की औलाद गुमराह नहीं हो सकती क्या? ये तो कुछ इसकी सनद भी नहीं मालूम कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है कि नहीं है। सुनो तो ये नबियों की औलाद गुमराह हो सकती है तो कौन सी खेत की मूली है? अभी बात वो नहीं चल रही, अभी बात वो नहीं चल रही मेरे भाई। क्या चल रही है? अभी बात ये चल रही कि जिस जिसने हयातु सहाबा लिखी, उसके जिसके घर में हयातु सहाबा लिखी गई, उससे बेहतर हयातु सहाबा का तर्जुमा और कौन कर सकते?
तो ये तो कई मरतबा। अच्छा तो मतलब अच्छा तो जिस नबी पे जिस नबी पे वही नाजिल हुई हो उसका बेटा गुमराह नहीं हो सकता, आपकी मतलब बात का मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो गुमराह का और जो है क्या बोलते हैं कुफर का फतवा देने के लिए उम्र में नहीं है, समझे बात को। अच्छा तुम मुझे बोलो हयात सहाबा में से जो तुम उनके ऊपर जुर्म लगा रहे हो। एकदम नहीं लगा रहा भाई, उसकी ऑडियो मौजूद है। क्या उनकी बीवी का फिर साजिश ने नकल किया है सालों में बीवी का जो किस्सा नकल किया है। ये उठकर बांदी के पास चले गए थे, मियां को गुस्सा आया, अंदर में रवाहा को छुरा लेकर आए, बीवी को कतल जो है बीवी छुरा लेकर आई शोहर को कतल करने के लिए कि बांदी के पास चले गए थे। रात बांदी हुआ करती थी जमाने में बीवियों की तरह। इधर ये फारिग होकर उससे क्या बात है कि छुरा लेकर क्यों, कि अगर वहां देख लेती जहां थे तो ये छुरा तुम्हारे अंदर तुम्हारे सीने में घुसा देती। क्या देख लिया तूने कि आप बांदी के पास नहीं थे। फरमाने लगे कि मैं जो कुरान पढ़ के सुनाता हूं, अगर मैं गया हूँ अता बांदी के पास तो कुरान में पढ़ सकता, और कुरान वो भी सारा पढ़ी हुई नहीं थी। रिवायत में कि उन्होंने चंद अशार पढ़ दिया अरबी के, बीवी सन जो कुरान पढ़ रहे हैं, कहने लगे नहीं मेरी आंख ने गलत देखा है, मोमिन झूठी बोल सकता, मेरी आंख ने गलत देखा। हाँ कज़बतुल बसर, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है कि मोमिन जनाबत की हाल में कुरान नहीं पढ़ सकता। देखो अगर इस तावील और झूठ के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो पूरी दुनिया काम चलेगा। सोचो जिस घर से दो मियां बीवी मुतालिक हैं, सिर्फ दो फर्द, उनका घर नहीं चल सकता इसके बगैर। सुनो क्या कह रहा, एक घर एक मियां बीवी बस और कोई नहीं है। जब ये दो अफराद का घर नहीं चल सकता यानी अच्छा गुमान किए बगैर और अपनी नजर को झुटलाए बगैर, सोचो तो इतना बड़ा काम चल जाएगा। आपने है तो साहब कितनी बार दवा पड़ी? बहुत बार, अल्हम्दुलिल्लाह फट गई। 2001 में आई थी पहली बार, फट गई आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ इसका मतलब आपने इस्लाह के लिए साहब की जिंदगी को इख्तियार करने के लिए नहीं पढ़ा, आपने साथ की गलतियों को निकालने के लिए पढ़ा। हर गुमराह की गलती था कि कोई मुझे गुमराह न कर जाए, इसलिए पढ़ा मैंने। ऐसा कोई धोखेबाज समझ में आ जाए जो यूं कहे कि हमारा ईमान अंबिया से भी अफजल है, सहाबा से भी अफजल है और फरिश्तों से भी अफजल है, तो उससे बच जाऊं। ये है तो साहबा की बरकत है कि साजिश के बारे में लोगों को आगाह कर रहा हूं। इस जमाने का मुसलमान नहीं समझता कि हमें मलाइका, अंबिया और सहाबा इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमें दिया गया था। इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमें दिया गया था, इसलिए कि सही हदीस है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त मुसलमान जितना ईमान से गाफिल है, आमाल से भी इतना गाफिल नहीं है जितना ईमान से गाफिल है। हालांकि हकीकत यह है कि ईमान के बगैर न आमाल पर इस्तकामत हो सकती है, न ईमान के बगैर इसको बातिल पर गलबा मिल सकता है, न ईमान के बगैर अल्लाह के वादे इसके लिए पूरे हो सकते हैं, और न ईमान के बगैर इसके किसी अमल में इखलास हो सकता है, और न ईमान के बगैर इसे अपने दीन पर इस्तकामत हो सकती है। ये जो बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि सारे वादे यकीन पर हैं। तुम क्या अरे बोल रहा है, अरे सुनो जो बोलते हैं निजामुद्दीन भाई, साफ साफ बोल रहा है निजामुद्दीन जो है मक्का मदीना के बाद सबसे अफजल है। आज के इस मकान का एहतराम याद रखो, सारी दुनिया का हाल ये है कि मक्का मदीने के बाद अगर कोई जगह काबिल एहतराम और काबिल इस्तेदा और काबिल इताअत और काबिल अजमत है तो वो मक्के नगर में निजामुद्दीन है। आप सब हजरात सुनने आए पुराने,
تو کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کو نظام الدین میں ہی سوچ لیا جائے گا ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کے لیے سارے عمر کا مرجع اور سارے عمر کا مرکز وہ نظام الدین ہے اسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں کے کسی مسئلے کو یہاں سے چاہے بلا انتقال بھی لے کے جاتے ہیں के बारे में तुम्हें सवाल नहीं होगा कल खुद के बारे में सवाल होगा। अरे भाई दावत का काम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दोनों मिलके बनता है। अच्छाई का हुक्म और बुरी बात से रोकना तो कोई आदमी गुमराही चला रहा है तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। आप रहते कहाँ? गुजरात वापी। वापी में रहता हूँ। मस्जिद जमात में कितने साथी बैठते हैं? कितने ईमान वालों की बस्ती है आपकी? अरे बुनियादी बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? साथ का कितना चिल्ला लगा? साथ का कितना चिल्ला लगा? तुम्हारा कितना लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 27-28 साल तो दावत के काम में गए। चले गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने क्या सीखा आपने? कि गुमराहों की गुमराही से लोगों को बचाना, जो चीटरी करते हो, धोखा देते हो। इसलिए हाजी अब्दुल वासा रहमतुल्लाह ले एक मतलब रायमंड में कारगुजारी ले रहे हैं। एक बच्चा चिल्ला लगा कर आया, बोले मिलना मुन्ना क्या सीखे चिल्ले में? तो कहा बोले 6 सिफा सीख गया। हाई साहब बोले 70 साल की जिंदगी हो गई, अभी तो 1 सिफा जिंदगी में नहीं, अच्छा अल्लाह का शुक्र है तू सीख गया। 27 साल में तुमने सब सीख गए? तो 70 साल में हाजी अब्दुल वाहब साहब को भी नहीं आई और साथ को बगैर चिल्ला लगे कैसे आई होगी? आप सोचो फिर साथ की। तो अरे तुम साथ की बात ही मत करो, क्योंकि जो है जिसके ताल्लुक से तुम मैं क्या कहता हूँ करने के ताल्लुक साथ को साथ कहता अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं, उसको उसको कैसे माने? तो तुम्हें शर्म आएगी कि एक आदमी तो किस्म किस्म खाने जमा किए हुए हैं जिस खान पर, और एक घर के अंदर एक आदमी फाके से मर रहा है। तुम इस शख्स को जालिम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक के पास तो इल्म की इतना ढेर कि उसे समझ नहीं आता कि क्या बयान करे, और एक तरफ जाके देखोगे तो उम्मत बगैर कलमे के मर रही होगी। तुम इस खैर करोगे, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हिदायत अल्लाह के हाथ में होती तो अल्लाह ताला नबियों को क्यों भेजते? अल्लाह ताला ने हिदायत देने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मेहनत के लिए भेजा है। नबियों ने भी अपने अंदर की तवज्जो और रूहानियत से हिदायत को नहीं फैलाया। तुम सब के सब खूब गौर से सुनो मैं क्या कह रहा। इस जमाने में एक धोखा यह भी है मुसलमानों को कि अल्लाह वालों की अंदरूनी कैफियात से उम्र हिदायत पर आ जाएगी, यह ख्याल भी गलत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के इमाम हैं और अंबिया रूहानियत के इमाम हैं, और आप सारे अंबिया के इमाम होकर सबसे ज्यादा रूहानियत वाले हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहानियत के बावजूद इस रास्ते के ठोकर खाने में कमी नहीं की है। आप फरमाते थे कोई जमात ऐसी बाकी ना रहे जिसके साथ मैं खुद ना निकलूँ। इतना जज्बा इस रास्ते में निकलने का था क्योंकि आपको हुक्म था कि जो अहकाम पर नाजिल किए गए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप बोलो बस्ती कितने फिकर कर रहे? हाँ जी आपके बस्ती में कितने ईमान वाले रहते हैं? बहुत रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग मस्जिद जमात में बैठते हैं? बहुत बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? बहुत से नहीं अदर बताओ। बहुत बैठ रहे। मैं क्या कहता हूँ जैसे सुनो सुनो वैसे आपकी मस्जिद जमात की अदर बताओ ना। सुनो तो सही, जिसकी बस्ती में पूरा काम 100% न उठे वो बैरून जमात में न जाए क्या? बाहर के इलाकों में फिकर का आलम उम्मत ही है। मैं क्या कहता हूँ नबी का आलम उम्मत ही है। आपकी बात में सादिया नहीं क्योंकि अक्कल को मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मस्जिद में जब तक काम न उठे मैं बाहर बस्ती में जाऊँ ही नहीं, बाहर की फिक्र ही नहीं करूँ। अरे भाई आप तो आलमी नदी के आलमी मतलब सारे आलम में जाए। हाँ तो फिर आलम में सात नाम का गुमराह भी है ना। फिक्र करने से पहले अपने बस्ती की फिक्र कर ले। ये उसूल में देख ले, ये उसूल जेब में से निकाले हो से जा रहे हैं। ये उसूल घर में तालीम हो रही है नहीं हो रही? तुम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा वाली चैनल चलाते हो ना, तुम्हारा नाम सहेल मर्चेंट है ना। खुद का देखे सात का छोड़ दे। क्यों सात पूरे आलमी नबी का आलमी उम्मत है तो आलम में नहीं आता क्या? सात बारे में आपको सात के बारे में सवाल लूंगा कल खबर नहीं ना होगा होगा। सात का साद का फितना आलमी है, उसकी गुमराही आलमी है। तुम जैसे कोने कोने में बसे हुए फितना होता था ना साद, अगर फितना होता तुम सोहेल मर्चल तो ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा चैनल तुम चलाते हो ना। साद अगर फितना होता तो बकौल आपके और तलहा साहब कह रहे अपनी दुआ हम कहते थे कि अल्लाह साथ के फितने से उम्मत की हिफाजत फरमा। अरे ये तो तुम्हारे जब एडिटेड ऑडियो है यार।
सुनो तो सही, साथ साथ के अहलिया का जनाजा नमाज उसको पढ़ाने दी गई ताकि वो इस्लाह हो जाए उसकी। लेकिन अल्लाह को नाहक को ना जाहिर करना ही था तो चारों तकबीर में चारों बार कान पे हाथ उठा दिया। अरे कर दिया, सुन लो मेरी बात, आप पहले गुजरात के अंदर जितने भी आप शुरा एक्सपोजर है ना, हाँ? आप आपके मशाइख रायवन गुजरात में जिंदगी भी डाल दे, रायवन गुजरात में डाल दे, रायवन गुजरात में है तो तुम्हारे महाराष्ट्र के मुफ्ती अजीजुर रहमान फतेहपुरी गुजरात के, मैं आपकी गुजरात के, मौलाना मौलाना जुबेरुल हसन की औलाद दोनों जुबेरुल हसन साहब ये सब गुजरात के। मैं क्या बांग्लादेश जहाँ पे सात साल के हिमायतियों ने 29 उलमा का कत्ल किया वो गुजरात में है। अरे गुजरात प्रोफेसर सनाउल्ला ये गुजराती है। अरे तो दुनिया का सबसे बड़ा शेखुल हदीस शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह में गुजराती है। अच्छा, नाहक की दलील ये है उसके कुरान और हदीस से कुछ नहीं बचता तो वो तासुब फैलाता है। ये कितना बड़ा कुफ्र है कि हमारी मेहनत आलमी सबको जात बिरादरी इलाकाइयत से उठा के एक करने की मेहनत वाले आज कुछ न मिला तो गुजरातियों के खिलाफ जो साहबा की औलाद है जिस इलाके में साहबा सबसे ज्यादा मदफून है उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं अपनी अपनी गंदगी को छुपाने के लिए। हेलो हेलो, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना ये सब आपके अंदर है। नहीं ना, गुजराती का नाम आपने उठाया, मैं गुजराती हूँ भी नहीं, बड़ी बात मैं गुजराती हूँ भी नहीं। और ओ सहेल मर्चेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा के एडमिन, हाँ बोलना, मैं गुजराती भी नहीं हूँ। आप तो बोले मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात से बोलने से गुजराती हो जाएगा। वहां से बोले तो वहीं से पुकारूंगा ना। यही तो धोखा दिया कि निजामुद्दीन की बिल्डिंग को निजामुद्दीन की फिक्रें समझ ली, निजामुद्दीन की वो चीजें जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक होगी वो ली जाएंगी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ निजामुद्दीन से बात चले तो भी नहीं ली जाएगी, मक्का से ली जाए तो भी नहीं ली जाए, मदीना से चले तो भी नहीं ली जाएगी। आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हजरत उमर भी अगर अमीन हो और कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोले तो नहीं ली जाएगी। अरे सुन ना बापी के बंदे, सुन मेरी बात, जितने मशायखीन है ना, जितने तुम मशायखीन कह रहे और जितने की तुम बुजुर्गों की बात कह रहे हैं, तो ये बुजुर्गे भी और तुम सब भी और आपका जितना खानदान कयामत से कहेगा वो सब भी अगर इकट्ठा हो जाए और साथ की जो है कीड़े निकालना शुरू करे और साथ की बदनामी करना शुरू करे तो आप करते रहें, ये आप लोगों का काम ही है। हाँ, वो तो कादियानी भी ऐसे बोलते हैं, कादियानी भी ऐसा बोलते हैं, सादियानी भी ऐसा बोलते हैं। असल तो कुरान और सुन्नत होता है सेल, कुरान और सुन्नत की बात छोटा बच्चा है तो भी माननी पड़ेगी। सुन्नत असल कुरान और सुन्नत पे तो है, कुरान और सुन्नत में कहाँ लिखा है? अरे कुरान और सुन्नत में कहाँ लिखा है कि मस्जिद ज़िरार मुसलमानों ने बनाई थी? और मुझे साफ कह देता हूँ, जब भी तुम लोग जमा होगे इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए, खुदा की कसम इख्तलाफ और बढ़ेगा। तुम 100 बार भी जमा होकर देख लो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ इख्तलाफ और बढ़ेगा, क्योंकि जो इख्तलाफ की बुनियाद पर जमा होंगे उनके इख्तलाफ में उनके जमा होने से और ज्यादती होगी। अगर हम तो भलाई चाहते, हम तो काम चाहने के लिए जमा हुए भाई, काम चाहने के लिए तो काम करने वालों के साथ जमा होगे तब तो काम चाहने वाले बनोगे, और अगर काम चाहने के लिए काम करने वालों से अलग होकर जमा होगे तो इससे तो इख्तलाफ और बढ़ेगा। शैतान उल्टी ही सुझाता है कि हम तो खैर पर जमा हो रहे हैं, इन अरदना इल्ल हुस्ना। जी हाँ, ये कहा था मसीह दरार वालों ने, ये कहा था इन अरदना इल्ल हुस्ना, कि भाई हम जो यहाँ
इस मसले में जमा हुए ना, हम तो असल में काम के लिए ही, काम के नफे के लिए ही जमा हुए हैं। ये मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन अरदना इल्ला अल-हुस्ना, हम तो काम ही जाते हैं, भलाई जाते हैं, कि हम तो भाई खैर ही जाते हैं, मस्जिद दरार में जमा हुए। आपने फरमाया सहाबा से, जाओ लकड़ी इकट्ठी करो और मस्जिद को आग लगा दो, जहां लोग जमा हुए हैं इमाम वालों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, जाके वहां आग लगा दो। और गए सहाबा, लकड़ी जमा की, उस मस्जिद को जला दिया। हालांकि मस्जिद थी, हालांकि मस्जिद थी जी, कि वहां सब नहीं जमा होंगे, वहां तो मखसूस लोग जमा होंगे। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, आप सबसे ये किया था बाज लोगों ने, और ये नहीं कि वो कुफार थे, नहीं ईमान वाले थे जी हाँ, कुफार नहीं थे, मस्जिद बनाई थी। अलग जमा होंगे, अलग जमा होकर सोचेंगे कितनों पे, अरे उसकी कितनों पे पर्दा डालोगे तुम, एक हो तो तावील कर लेते हम भी, उसकी कितनी ढकोगे और कुरान और सुन्नत से दुश्मनी करोगे। हेलो, हाँ फिर से बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलो। अरे कुरान और सुन्नत के खिलाफ उसकी कितनी बातों को ढकोगे, कितनी दुश्मनी कुरान, क्या तुमने कसम खाई है कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलने की और साथ की हिमायत की उसके मुकाबले में? नाउज़ बिल्ला, हम तो शुराई ऐसे नहीं है। अगर तौबा करो उसको, और कुरान के खिलाफ हम चलेंगे, आप अपनी जाती मफाद के लिए, जाती मफाद हमारा, कुरान के खिलाफ साथ साथ बोले और जाती मफाद हमारा, शूरा बनाना है, शूरा कौन सी शूरा, जिसने अमीर बदल बदल को, अरे जिस जो कहता है तौबा के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है बोलता है, तो इसकी वजह गफारी से पुकारना है। इसलिए एक ही मजलिस में दो मरतबा इसके गफार कर लिया करते थे, एक मजलिस में दो मरतबा इसके गफार कर लिया करते थे। हम इस्तग़फ़ार करते हैं बगैर गुनाहों पर निदामत के, हालांकि इस्तग़फ़ार के साथ चार शर्तें हैं और तीन कैफियतें हैं। जब उन चार शराइत के साथ और इन तीन कैफियतों के साथ बंदा अपने गुनाहों पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। तीन शर्तें, चार शर्तें और तीन कैफियत, चार शराइत तो ये हैं कि गुनाह करने वाला गुनाह को अधूरा छोड़ दे, पूरा न करे। अगर गुनाह को ये सोचा कि अब तो कर लो आइंदा नहीं करेंगे, तो ऐसा करने वाला इसकी पहली शर्त नहीं पाई गई तौबा की कबूलियत की, क्योंकि उस गुनाह से, उस गुनाह को अधूरा छोड़ देना ये पहली शर्त है, अपने गुनाह से निकल आ रहे। अगर ये ख्याल करता है कि आज तो कर लो लेकिन आइंदा नहीं करेंगे, तो ये आइंदा करने के हुक्म में है। अगर गुनाह को पूरा कर लिया और अधूरा नहीं छोड़ा, तो इसकी तौबा कबूल नहीं होगी, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो अपने गुनाह पर नादिम और पशेमान हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो आइंदा न करने का पुख्ता आज़म कर ले। और चौथी बात यह है कि अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। तुमने असल में जितना भी यानी तौबा के लिए उलमा ने अहादीस और रिवायात से इस्तिंबात किया है, उसमें तीन चीजें इस्तिंबात की हैं, इखला, निदामत, आइंदा न करने का पुख्ता, यानी गुनाह को अधूरा छोड़ देना और निदामत और आइंदा न करने का पुख्ता। लेकिन 99 कत्ल करने वाले ने एक राहिब से कहा, हल्ली मिन तौबत, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं, क्योंकि जो आदमी किसी गुनाहगार को अल्लाह की रहमत से मायूस करे वो हलाक होने वाला है। राहिब ने कहा तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती, उसने राहिब को कत्ल कर दिया। दो कत्ल हो गए, फिर फिक्र हुआ कि मेरे गुनाह कैसे माफ होंगे, फिर कहता हुआ निकला, हल्ली मिन तौबतिन, हल्ली मिन तौबतिन,
एक आलिम से मुलाकात हुई, आलिम से कहा हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा हाँ तौबा कबूल हो सकती है, शर्त यह है कि तुम अपनी बस्ती छोड़कर निकल जाओ और फना फना बस्ती में जाओ। अभी तक हम नहीं समझे कि अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत ये तौबा की तकमील के लिए भी है। सीरत से साबित कर दो कि अमीर बदल बदल के साहबा की जिंदगी में कभी रहा तो 1995 से लेकर 2015 तक साथ क्या कर रहा था? साथ कौन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था साथ, क्या कर रहा था बोलो ना, बदल बदल के ही थे सब, सूरा में था ना इसका। किसने बोला आपको, किसने बोला? अरे 2015 से लेके, अरे 1995 से 2015 तक क्या था मेरे प्यारे भाई? हाँ तो जो 1995 से जो 1995 से 2013 तक थे ना, तो इनको 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 जो है परेशानी हो रही थी, खतपति बढ़ रही थी। बोला शरीयत तो, अच्छा हम मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के। अरे सुनो इसका जवाब दो, शरीयत नहीं थी उस जमाने में, हमको जो है शूरा में हिस्सा क्यों नहीं? अरे दीन तो, दीन का इधर उधर की बातें मत करो, आज के बड़े हैं, दीन इधर उधर की बातें मत करो भाई, दीन तो मुकम्मल हो चुका, इन्हीं ने आपको दीन सिखाया है, आपके पास में गुजरात में, आपके पास महाराष्ट्र में, ओ पगले यूपी में कैसे दिन नहीं आया? ओ पगले देवबंद और ढाबे ले ना हिंदुस्तान ले गए, ये दावत का काम शुरू नहीं होता तब से देवबंद और ढाबे ले, ये बेवकूफी वाली बात मत करना, अल्लाह का दिन किसी का मोहताज नहीं, उसकी नसीब उसकी सआदत है कि अल्लाह उससे दीन का काम ले ले। बेवकूफ, जरिया बनने वाले के लिए, जरिया बनने वाले के लिए शहादत मंदी है। ये भक्ति छोड़ो, शुराई की भक्ति छोड़ो, तुम शुराई भक्ति के नहीं, तुम बोलो ना 1995 से लेकर 2015 तक साथ क्या कर रहा था? आप लोग हजरत के आग में लग गए, अमारत नहीं मिली, 1995 तू यार सादियानी ने बात नहीं करेगा एक मुद्दे पे, सादियानी एक मुद्दे पे बात नहीं करेगा, 1995 से लेकर 2015 तक साथ क्या कर रहा था शुरा में? शुरा अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो 7-20 साल तक क्या कर रहा था? इसको तो मजाक, अरे तो पहले इसकी वजाहत कर रहे, कौन सी शूरा? क्या वजाहत? शूरा वो है एक शूरा वो है जिसके अमीर, जिसके साथी अपना मशवरा देगा अमीर है, और एक शूरा वो है जो आप चाह रहे हैं अमीर बदल बदल के हो। अरे तो कहां से आई? तो वैसी क्यों नहीं थी? तू जैसे शरी कह रहे हो ऐसे 1995 से लेकर 2015 तक क्यों नहीं थी? कोई थी, कहां थी, कहां था अमीर, कौन था उसका अमीर, कौन था मौली साथ थे और कौन था? अरे 1995 से लेकर 2015 तक तीन जगह 60 मशवरे हुए आलमी, एक में इसको फैसल नहीं बनाया गया। अच्छा कहाँ है इसकी दलील? दलील जब हुआ ही नहीं तो दलील कहाँ से होगी, होता तो दलील मिलती ना। आपको कैसा मालूम नहीं बनाया गया करके? अरे तू भाई पता करना। मैं क्यों पता करूं? तुम जैसे गुमराह, तुम जैसे लोग इसलिए गुमराह है कि उनको मालूम नहीं, और तुम जैसे लोग इसलिए गुमराही फैला रहे कि उनको पता ही नहीं। हदीस में है कि काफिर को बिना देखे काफिर कहने वाला मरने से पहले कुफ्र उसका सही, एकदम हक बात, एकदम हक बात है, एकदम हक बात है। अब सुन ले, अब सुन ले, गुमराह से देवबंद, अब सुन ले, देवबंद गुमराह कह रहा है और 1000 से ज्यादा मदरसे दुनिया में वो चुप है, तो मतलब वो गुमराह की तस्दीक कर रहे हैं, वो सब काफिर है क्या? और सारे सारे बड़े बड़े मशाइख, सारे बड़े बड़े जिसमें सज्जाद नोमानी भी आ गए, जिसमें शकील साहब मुमरा वाले भी आ गए, जिसमें मुफ्ती महाराष्ट्र हजरत अजीजुर रहमान फतेहपुरी भी आ गए, जिसमें शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए, जिसमें शेख अपने सुनते थे ढाबेल के सब शेख भी आ गए, सब आ गए। क्या हो रहा है इसके लिए? अब्दुल वहाब साहब खुद आ गए जो दावत के काम के सबसे पुराने, वो भी कह रहे हैं। अब वो सारे एक तरफ, अब तुमको थोड़ी मालूम अब्दुल वहाब को जो है अरे इज्जत से नाम तो ले, हाईजेक करके रखा था वो, हाई बच्चे थे जिनको हाईजेक करके रखते। अतः सिर धड़ पैर बिना, सुन सुन भाई सुन, सिर धड़ पैर बिना की बातें ही होती है साधु वालों के पास। चल तेरे ऑपरेशन के लिए इतना काफी था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।